सपा के हरे कुर्ते वाले प्रवक्ता पर दर्ज हो गई FIR। अनुराग भदौरिया ने टीवी पर बैठकर सीएम योगी के लिए कही थी गलत बात। भाजपा ने की शिकायत, सीएम योगी पर ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं हुई। देखिए क्या है पूरा मामला और पुलिस क्या कार्रवाई करने की तैयारी में। सीएम योगी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। भाजपा प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने अनुराग भदौरिया के खिलाफ ये FIR दर्ज करवाई है। भाजपा प्रवक्ता ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर टीवी डिबेट के दौरान सीएम योगी व ब्रह्मलीन महेंद्र अभेद नाथ के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। हजरतगंज पुलिस ने तहरीर के आधार पर अनुराग भदौरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि 11 नवंबर को एक निजी चैनल की डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने जानबूझकर सीएम योगी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। ब्रह्मलीन महंत अवैध नाम का इनाम ससार्थ पूर्ण तरीके से जानबूझकर गलत उच्चारण करते हुए लिया गया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि गोरक्षपीठ करोड़ों हिंदुओं की आस्था व श्रद्धा का महत्वपूर्ण केंद्र है। धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने व ठेस पहुंचाने की दृष्टि भाजपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सीएम महंत योगी आदित्यनाथ व उनके गुरु ब्रह्मलील महंत अवैधनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी की है। इसी को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने हजरतगंज थाने में तहरीर दी थी, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनुराग ठाकुर इससे पहले भी विवादों में आ चुके हैं। दिसंबर 2018 में नोएडा सेक्टर 16A स्थित एक न्यूज चैनल के डिबेट प्रोग्राम के दौरान भी सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया से भिड़ गए थे। इसके बाद भाजपा नेता ने सेक्टर 20 पुलिस थाने में उनके खिलाफ हाथापाई का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर SB प्रवक्ता को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद गौरव भाटिया ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया था, यह प्रवक्ता नहीं गुंडे हैं। अनुराग भदौरिया ने पूरी डिबेट में व्यक्तिगत टिप्पणी की और अपशब्द बोले। इनके हथकंडे हैं, खूब व्यक्तिगत टिप्पणी करो, परिवार के लिए अपशब्द बोलो और जब कुछ न काम आए तो दूसरा व्यक्ति संयम बनाए रखे तो हाथापाई पर उतर जाओ। अब देखना है कि पूरे मामले में सपा की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।